सेंट एंड्रयूज प्रीमियर स्कूल शाखा आगरा में इंडो जापान कल्चरल मीट 2023 का रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जापान के डेलीगेशन ने जापान के छात्रों के साथ सेंट एंड्रयूज प्रीमियर स्कूल में विजिट की। स्कूल ने जापान डेलीगेशन का जोशीला स्वागत सम्मान किया और जापान डेलीगेशन द्वारा इंडो जापान कल्चरल मीट कार्यक्रम का उद्घाटन कराया गया के अवसर पर स्कूल के बच्चों द्वारा जापान के छात्रों के स्वागत गीत के साथ अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से जापान डेलीगेशन ने विद्यालय में पौधा रोपण किया और स्कूल को बधाई दी। वहीं विद्यालय की प्रिंसिपल ने हर्ष व्यक्त करते हुए इंडो जापान कल्चरल मीट 2023 की जानकारी दी। मेरा नाम हिंदूपाला त्रिंगल है, जी। प्रिंसिपल सेंट एंड्रयूज प्रीमियर स्कूल में आज जो है ये विजिटर्स हैं जापान अम्बेसी के, उन्होंने विजिट किया है हमारे स्कूल को और मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि ये ऑयल का इंटरनेशनल टॉप इंडिया रेजिडेंसी थे और इसमें जो है ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इंडस्ट्रियल स्पिरिचुअल कल्चरल एडवांसमेंट है, तो इससे हमें हमारा कल्चर जो है इम्प्रूवमेंट हो रहा है इनके सामने और उनको बड़ा अच्छा लग रहा है, हमें भी बड़ा अच्छा लगा है इनको देखते हुए। ये व्यक्ति भी हमसे बात करते हैं, हम शेयर करते हैं अपने स्कूल जो है एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी जो आगे है बढ़ रही है, हमारे स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं उनकी अम्बेसी में ज्वाइन किया है, उन्होंने भी आके हमें रिपोर्ट दिए कि ये बहुत अच्छा है। सेंट एंड्रयूज का नाम हर तरफ है लिस्ट में, वहाँ भी है जापान में भी स्कूल्स हैं जापान के उसमें लिस्ट में सेंट एंड्रयूज का भी एक नाम है, तो हमें बड़ी खुशी हुई ये बात सुन के। पौधा ये है कि जिस तरीके से पौधा बढ़ता है उसी तरीके से हमारा स्कूल भी बढ़े। हमारा स्कूल ये नया है, ये ब्रांच नहीं है, वैसे 5 यूनिट्स हैं, ये 5वीं यूनिट है हमारी सेंट एंड्रयूज की, तो ये हम भी चाहते हैं कि ये इसी तरीके से जैसे पौधा बढ़ता जाता है स्प्रेड करता है अपने एजुकेशन, उसी तरीके से हमारा ये प्रीमियर जो है पूरे आगरा में बेस्ट नाम। मंच पे कार्यक्रम भी बहुत अच्छे थे, सबसे पहले तो हमारा वेलकम सॉन्ग था क्योंकि हमें ये उनको वेलकम करना था जापान अम्बेसी लोगों को, उनको हमने वेलकम किया, प्लस उनकी एंटरटेनमेंट के लिए भी हमने एक दो कार्यक्रम रखे हैं ताकि वो जब आए हैं तो पूरा आनंद लेके जाएं स्कूल में से, हमारे बच्चों का टैलेंट भी पता चला इससे, तो बहुत ही अच्छा लगा।